मेरा नाम धीरज राजपूत है। मैं धामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी नीमसैट में ऑल इंडिया 44 रैंक आई। चलिए अपने एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, धीरज राजपूत, जिनकी ऑल इंडिया 44 रैंक है, जो कि यूपी से हैं। और धीरज, सबसे पहले आपकी इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि धीरज के पास 100% च्वाइस थी कि एनआईटी त्रिची मिले, 44 रैंक थी, पर घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी कि वो एनआईटी त्रिची ज्वाइन नहीं कर सकता था। देन उसने डिसाइड किया कि मैं एनआईटी इलाहाबाद लूं, क्योंकि यूपी से ही है। तो फाइनली धीरज ने एनआईटी इलाहाबाद लिया। और वैसे धीरज, मैं एक बार बताऊं, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि आप त्रिची में, सूरतकल में, इलाहाबाद में, कैलीकट में, वहां पर आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उससे सारी चीजें आगे की डिपेंड करती है, प्लेसमेंट या एक्सेट्रा। तो एनीवे, आपको एनआईटी इलाहाबाद के लिए कांग्रेचुलेशन। और आपने अपनी जो एनआईटी त्रिची की एक सीट छोड़ी है, क्योंकि आप 100% श्योर थे 45 रैंक तक, तो हर बच्चा जो है उसकी 100% श्योर होती है सीट, तो आपने जिसके लिए छोड़ी, तो आपके पीछे किसी एक को मिली होगी, तो वो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद देगा, चाहे वो डायरेक्टली बोले ना बोले, पर मन में उसके बात रहेगी। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाहूंगा, क्योंकि धीरज आपने ऑनलाइन रह के पढ़ाई करी है, तो ऑनलाइन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप जरूर शेयर करिए बच्चों के साथ, क्योंकि कई बच्चे जब ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उन्हें लगता है रैंक लाना मुश्किल होगा या ये, तो आपकी तो ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद भी इतनी अच्छी रैंक आई, तो आप जो बच्चों को गाइड करेंगे उससे काफी सारी चीजें उनको समझ में आएंगी। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन जुलाई से स्टार्ट की थी सर। पहले मैंने सेल्फ स्टडी की, लेकिन उसमें तो पूरा रूटीन नहीं बन पाता था। फिर मैंने अगस्त में इम्पीटस गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, तो सर आपकी वीडियो होती थी, लेक्चर देखते थे, और उसके बाद जो सर डीपीटी मिलती थी वे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और फिर संडे को टेस्ट होता था सर। टेस्ट में हमेशा स्कोर अच्छा आता था, तो सर उसका कॉन्फिडेंस मिलता था। तो सर बिल्कुल सही बात बोली धीरज। कई बार जब हम क्या होता है, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं होती, पर वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, दो चीजों की कमी होती है। और क्या पढ़े, कहाँ पढ़े और कितना पढ़े, ये भी एक बार कंफ्यूजन होता है। तो देखो, आप पहले भी पढ़ाई कर रहे थे, पर जब आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया तो वह रेगुलरिटी आ गई, क्योंकि इम्पिटस की क्लासेस का टाइमिंग फिक्स है, फिर डीपीटी मिल रही है, टेस्ट मिल रही है, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे ऐसा फील नहीं होता कि हम कहीं ज्वाइन नहीं है। और वही एक चीज कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण होती है। अच्छा धीरज, आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है जो आपकी लाइफ उसमें चैलेंज थे, और कुछ बेनिफिट, जैसे क्या होता है ऑनलाइन का एक बेनिफिट भी है कि हम घर में रह के पढ़ाई कर लेते हैं, और जब हम घर में रह के पढ़ाई करते हैं, जैसे बच्चा हॉस्टल के लिए निकलता है तो कई बार खाने का, रहने का, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, पर ऑनलाइन में आप घर पे पढ़ाई कर रहे होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी अदर मिलती है। बस एक ही चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत लगता है ऑनलाइन में, क्योंकि कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तो ऑनलाइन का रिजल्ट देना आसान नहीं है। तो आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे, मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं। सर यही कि थोड़ा घर पर रहकर सर थोड़ा तो मुश्किल होता है कि हाँ, क्योंकि घर पर सब फैमिली में कभी किसी में। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये यही कि हम बस ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ रिजल्ट क्या होगा, अपनी पूरी अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत करने पर एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही बात बोली धीरज आपने, कि अगर अपने रिजल्ट के ध्यान ना रखते हुए पढ़ाई करें, मेहनत करें, और मेहनत का फल मीठा ही होता है, बिल्कुल सच बात है, और वो आपने प्रूव कर दिया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट धीरज। थैंक यू सर।